नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जो ये पार्ट वन होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे संगम काल को। दोस्तों, इस संगम काल में चेर वंश, चोल वंश और पांडे वंश शासन किए थे। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि जो दक्षिण भारत था ये 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक चला था। अगर बात करें संगम काल की तो ये 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद दक्षिण भारत के अन्य राज्यवंश सामने आए थे, जैसे ये 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किए थे। जैसे अगर हम बात करें, इसमें पल्लव वंश, राजकुट वंश, चालुक्य वंश तथा चोल वंश ने इसमें शासन किए थे। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं संगम काल। तो दोस्तों, संगम काल जो था, संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा यानी संगम का काल। समय काल ये 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया गया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई थी। इन्हें तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं समकालीन राज्य। इसके कौन कौन से समकालीन राज्य थे? तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो था ये कौन सा था, तो ये चोल वंश था, ये चेर वंश था और ये पांडे वंश था। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसमें ये तीन राज्यों में विभाजित था। चेर जिसका निशान था धनुष, चोल वंश जिसका निशान था शेर और पांडे जिसका निशान था मछली। आइए दोस्तों, हम चेर वंश को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो केरल का प्राचीन नाम चेर ही था, धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुट्टनवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था, कार्तिकी पूजा पत्नी पूजा की शुरुआत इसी ने की थी। ठीक, चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा आदिम गेमान था। इसने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। आइए दोस्तों, हम चोल राज्य पढ़ते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी के बाद पांडवों के कारण इनका पतन हो गया था, पर बाद में 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ था। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों ने मंतूर, उरई और तंजावर को अपनी राजधानी बनाया था। अब ये जो चोल वंश था ये दो प्रमुख शासक के बीच में बटा था। तो दोस्तों, ये करिकाल के और एलारा के। तो दोस्तों, करिकाल की अगर बात करें तो चोलों का पहला महान शासक कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण इसी के कार्यकाल में ही करवाया गया था। एलोरा ने श्रीलंका को जीत कर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। आइए दोस्तों, हम पांडे वंश साम्राज्य की डिस्कशन करते हैं। तो इस साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेघस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। इस राज्य का शासन ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में ही था। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। मदुराई इनकी राजधानी थी। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नेडियोन था। नोटिया राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अब दोस्तों, जो संगम काल के प्रमुख कुछ साहित्य हैं, तो लोक पंडियम ये तो लोक कप्पियार ने किया, और शिल्प कपिदारक्रम ये इंग्लो आदिगलम ने किया था। तमिल के प्रमुख देवता का मुरुगनन थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।